कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज में 66 तलबा के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी तादाद में तलबा में कोरोना वायरस के बाद कॉलेज के दो हॉस्टल सील कर दिए गए। हालांकि ज्यादातर तलबा में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। अच्छी बात यह है कि इसमें से ज्यादातर तलबा वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज में 66 तलबा के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। इतनी बड़ी तादाद में तलबा में कोरोना वायरस के बाद कॉलेज के दो हॉस्टल को सील कर दिया गया है। हालांकि यह अच्छी बात यह रही कि ज्यादातर जो तलबा है उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाया गया। लेकिन इसके साथ ही एक और बात आपको बता दें कि यहाँ ज्यादातर तलबा ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। वैक्सीन लेने के बाद वायरस से मुतासिर होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, और अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। और हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। शाहिद, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर 66 तलबा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है, क्या इंतजाम किए गए हैं इस पूरी वबा को लेकर जो कर्नाटक में जो तस्वीर निकलकर सामने आई उससे निमटने के लिए? जी शबनम, देखिए कर्नाटक की धारवाड़ से ये एसडीएम मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 66 बच्चों को जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ है। एक फ्रेशर्स पार्टी थी जो अभी बेस के स्टूडेंट थे उनके लिए, उस पार्टी में जो है काफी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तकरीबन 300 से 400 लोगों की तफ्तीश हो रही है, जाँच के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल 66 स्टूडेंट जो है इन्फेक्टेड पाए गए हैं जिसमें से 4 या 5 स्टाफ भी शामिल है। ये बड़ी खबर है कर्नाटक के लिए क्योंकि कोरोना का जो खतरा है कहीं ना कहीं कर्नाटक में टलता हुआ नजर आ रहा था। वैसे परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ कोरोना की मुश्किल अब नहीं थे, हालात सुधरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन शायद आप बता रहे हैं ये बड़ी खबर है कि 300 से 400 जो तलबा है वो शक के दायरे में है क्योंकि इस पार्टी में वो शामिल हुए थे। 66 तलबा जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इसी बीच राहत की खबर ये है कि ज्यादातर तलबा ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर नहीं बल्कि पूरे 66 स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी इन्फेक्टेड हुए हैं तमाम के तमाम वैक्सीनेशन है, दोनों टीके वो लिए हुए हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, उनके मरीज सिम्टम्स हैं कोई ज्यादा सीरियस नहीं है उसमें से। लेकिन मसला यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब फैलाव होता है तो उसका कहीं ना कहीं असर पूरे शहर को एक डर की बात होती है। इस वजह से धारवाड़ जिले के जो लोग हैं वो काफी घबराए हुए हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है वो काफी एक भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहाँ मुख्तलिफ अजला के लोग जो है इलाज के लिए आते हैं। ऐसे जगह जो है ये मामला पेश आया है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, डेप्टी कमिश्नर ने उस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, वो तमाम तरह जो जो एहतियात बरतना है, जांच करने हैं, उसको पूरी तरह से काबू में लेके जो है उसे एक इन्फेक्टेड जोन करार दिया गया है जहाँ पे किसी पब्लिक को जो है आने के लिए भी मना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि इस मामले को जो है यहीं पे कंट्रोल में लिया जाए ताकि ये शहर में ना फैल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।